वेलकम टू एनके क्लासेस। आज हम क्लास टेंथ साइंस चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना क्यों ज़रूरी है बर्निंग से पहले? सो मैग्नीशियम रिएक्ट क्या करता है, CO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिससे मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। अभी मैग्नीशियम कार्बोनेट अनरिएक्टिव रहता है जो कि फर्दर मैग्नीशियम को एयर से रिएक्ट नहीं होने देता है, इसलिए इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। सो मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद CO2 प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। दिस लेयर इज अनरिएक्टिव एंड हैंस नीड्स टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, What do you mean by exothermic and endothermic reactions? Exothermic और endothermic reaction से आप क्या समझते हैं? So endothermic reaction वो reaction होती है जिसमें heat क्या हो, absorbed हो। Reactant में इसमें heat क्या हो जाती है, absorbed हो जाती है। Exothermic reaction वो reaction होती है जिसमें heat क्या होती है, released होती है। मतलब इसमें product में क्या होती है, heat released होती है। सो केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे कंसिडर कर सकते हैं? सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एयर वी ब्रीथ ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज formed due to digestion and CO2 and H2O are released with heat, therefore respiration is exothermic reaction. So होता क्या है respiration में, जो हम digestion करके जो हमारा glucose बनता है वो oxidize होता है, और वो किसके form में होता है, CO2 and H2O, और साथ ही साथ क्या released होती है, heat released होती है। और जैसे कि अपन ने देखा कि heat released होगी तो उस reaction को हम क्या बोलते हैं, exothermic reaction। Therefore, respiration is example of exothermic reaction. Now move to fourth question. Explain the following terms, corrosion and rancidity. So, corrosion क्या होता है? कि जब भी metal expose होता है किस केस में, moisture या फिर air केस में, तो वो corrode हो जाता है, और उस process को हम क्या बोल देते हैं, corrosion बोल देते हैं। कोई भी metal है जैसे हमारा iron है, अगर ये exposure हो जाता है मॉइस्चर उनके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो वो कोरोड होना स्टार्ट कर लेता है, और उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। नाउ रेंसिडिटी क्या होता है, कि जो भी हमारे फैट्स और ऑयल्स इनके फूड होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उसकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो हम उनको बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गए हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी बोल देते हैं। Now move to fifth question. Name the substance X used for white washing and its formula. So इसमें क्या है, जो क्यूक लाइम होता है वो white washing के लिए यूज होता है, और क्यूक लाइम का formula क्या होता है, CaO, calcium oxide. Now move to sixth question. What is balanced chemical equation? तो balanced chemical equation हम किसको कहते हैं, तो जिसमें भी reactant और product कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम हो जाए या इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट में क्या, एक प्रेसिपिटेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इनसोल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट विच इज इनसोल्युबल एंड सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें एग्जाम्पल है, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें जो आपका सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये एक प्रेसिपिटेट इनसोल्युबल प्रोडक्ट है। थैंक यू।